आज सभी आपको मुबारक दे रहे हैं कि किस तरह आपने अपनी जीवन समर्पित की है लोगों की सेवा के लिए। हर दिन आपका सेवा में है, लेकिन इस समय तो विशेष सेवा चल रही है। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए हम सेवा को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि सबकी सेवा करना, सबको सुख देना, सबको कंफर्ट देना, सबको हीलिंग एनर्जी देना, सबको इमोशनल हेल्थ भी देना और सबको फिजिकल हेल्थ भी देना। ये आप डे बाय डे हर रोज 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, उससे भी ज्यादा आप करते आए हैं। इस समय ये सब कुछ करते हुए आपको एक नाम और ऐड करना पड़ेगा जिसकी आपको सेवा करनी है, जिसका आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट वो नाम आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा और वो नाम है खुद का नाम। टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ, नर्सिंग द सेल्फ। हम सब ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, हम सब ने अपनी मदर्स को शुक्रिया किया, लेकिन मदर सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, मदर एक क्वालिटी होती है। मदर माँ अर्थात अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल कंपैशन। तो जो ये क्वालिटीज एक मदर में होती हैं, वो ही एक क्वालिटी नर्स में भी होती है। इट्स अ वेरी सिमिलर रोल एंड रिलेशनशिप। अनकंडीशनल कंपैशन, अनकंडीशनल केयर, मतलब आपके सामने कोई भी आए, कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी उसकी स्थिति हो, कैसा भी वो आपसे बात करे, आप बिना किसी चीज से प्रभावित हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं। दैट इज अनकंडीशनल केयर एंड कंपैशन। लेकिन सब कुछ करते हुए अब एक नाम और, विच मीन्स बींग अ नर्स टू आर ओन सेल्फ, बींग अ मदर टू आर ओन सेल्फ, विच मीन्स टेकिंग केयर ऑफ आर ओन सेल्फ, कंपैशन एंड केयर खुद के लिए, ध्यान और सद्भावना खुद के लिए। क्यों हमें खुद का ध्यान रखना है? फिजिकली तो हम सब अपना ध्यान रख रहे हैं, और आपको तो विशेष सारा कुछ पता है कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, और गलती से भी नहीं, आप गलती से भी नहीं भूलेंगे कि आपको हाथ ऐसे करना है, ये पहनना है। माँ, यू विल नेवर फॉरगेट इट, क्योंकि फिजिकल केयर करना हमें ट्रेनिंग मिल जाती है, हम सीख जाते हैं। एंड हम आधी रात को नींद में भी अगर उठ के हमें कोई बुला ले, वी विल नॉट फॉरगेट टू वेयर एनी ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ आर सेल्व्स फिजिकली। इस समय जो समय है, सारे लोग कह रहे हैं कि इतिहास में ये पहली बार है कि सारे विश्व पर एक ही सिचुएशन आई है। द वर्ल्ड इज फेसिंग द सेम क्राइसिस टुगेदर। संकट हर जगह आती है, कभी नेचुरल कलामिटी आई, कभी टेरर अटैक हुआ, कभी कुछ और बात आई, लेकिन अलग अलग शहर, अलग अलग देश पर अलग अलग समय आई, लेकिन पूरे विश्व पर एक समय पर एक ही संकट पहली बार है। सो द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव अ ग्लोबल क्राइसिस, ये तो हम सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी चीज जो हम नहीं देख रहे हैं, इट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन ग्लोबली वी क्रिएटिंग द सेम इमोशन, विच मीन्स पूरा विश्व इकट्ठे सारे कह रहे हैं डर नॉर्मल है, एंग्जाइटी नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है, भविष्य की इनसिक्योरिटी नॉर्मल है। सो ग्लोबली वी क्रिएटिंग द सेम इमोशन, एंड इमोशन ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, डर चिंता की इमोशन, कुछ घंटों की नहीं, कुछ दिनों की नहीं, लेकिन कुछ महीने हो चुके हैं और शायद कुछ महीने और चलेगा। क्या एक मन के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो डर और चिंता कॉन्स्टेंटली कुछ महीनों तक सहन कर सके? बहुत सारे मन में ये शक्ति नहीं है, और इस समय हमने अपने आसपास दिख रहा है कि कई मन अफेक्ट हो रहे हैं। एंड अफेक्ट हो रहे हैं मतलब लोगों का व्यवहार बदलता जा रहा है। जिसको पहले उतना गुस्सा नहीं आता था, सडनली गुस्से से बात कर देते हैं, छोटी सी बात में रिएक्ट कर देते हैं। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके आसपास ये होता होगा, शायद आपके घर के लोग, शायद पड़ोसी आपसे अजीब तरह से बिहेव कर रहे होंगे,
पेशेंट्स भी अजीब तरह से बिहेव कर रहे होंगे, अचानक कुछ कह देंगे, अचानक दे स्नैप एट यू, अचानक छोटी सी बात के लिए एक बड़ी बात बनाकर बोलना शुरू करेंगे। ये बहुत कुछ व्यवहारों में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हम सब कुछ महीनों से वायरस से अपने आप को कैसे बचाना है वो तो हमने सीख लिया था, लेकिन लोगों की वाइब्रेशन से कैसे हमें अपने आप को बचाना है वो हमने नहीं सीखा था। सो मच ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी अराउंड अस, लोगों के मन पर उसका असर आया है। तो आपका रोल इस समय थोड़ा सा और बढ़ जाता है, विच मीन्स कंपैशन एंड केयर, नॉट जस्ट फॉर अ फिजिकल डिजीज, लेकिन कंपैशन एंड केयर ऑल्सो फॉर द ह्यूमन माइंड। मन, आपके आसपास जो मन है, वो मन आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो मन आपके साथ आपके सबॉर्डिनेट, आपकी सिस्टर्स दूसरी हो सकती हैं आपके आसपास, आपके वार्ड बॉय हो सकता है, वो मन कोई भी हो सकता है, लेकिन आज बहुत सारे मन भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब उदास है, निराश है, परेशान है, और हाई केसेस ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो यू सी दैट इज अनदर एपिडेमिक जो हमारे आसपास अभी है, जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और शायद हमें उसके बारे में सोच भी नहीं रहे क्योंकि हमने सोचा ये सब तो नॉर्मल है। इसका असर हम पर नहीं आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की वाइब्रेशन का असर, हॉस्पिटल की वाइब्रेशन का असर, देश की, विश्व की वाइब्रेशन का असर मुझ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम पर आता है तो हमें भी थोड़ा सा डर, थोड़ी सी ये थॉट मुझे ना हो जाए, थोड़ा सा कभी ये थॉट मेरे परिवार को ना हो जाए, ये थॉट थोड़ा सा आने लगेगा, और अगर ये थॉट आने लग गया तो वो मेरी हीलिंग एनर्जी में अफेक्ट करना शुरू कर देगा। आपकी हीलिंग एनर्जी लोगों को सुकून और सेहत देती है, उस हीलिंग एनर्जी को तो डे बाय डे हमें और बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज आर हीलिंग एनर्जी। आप सिर्फ इलाज नहीं करते, आप सिर्फ ट्रीट नहीं करते हैं। हर बार जब आप एक पेशेंट से या उसके परिवार के सदस्य से मिलते हैं, हर बार जब आप उनको एक दवाई देते हैं, हर बार जब उनका टेम्परेचर देखते हैं, हर बार जब आप उनको एक सिरिंज लगा रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट, इट्स एन इंटरैक्शन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों का एक इंटरैक्शन होता है, और वो जो दूसरा है, जो पेशेंट है या परिवार है, वो तो वैसे ही परेशान और उदास है, लेकिन जब आप उसके कमरे में आते हैं, आप थके हुए होते हैं, पूरी रात आप जागते हैं, फटीग्ड हैं फिजिकली, लेकिन आपके चेहरे पर कभी वो थकावट नहीं दिखाई देती। आपके चेहरे पर हमेशा इस मुस्कुराहट, इट्स अ स्माइल, एंड इट्स नॉट जस्ट अ स्माइल ऑन द फेस। मुख से तो बहुत लोग स्माइल कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो स्माइल होती है जो रेडिएट करती है केयर एंड कंपैशन, चाहे आप कितने भी थके हुए हो। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ मदर। यही तो माँ की विशेषता होती है, सब कुछ कर ले लेकिन अपने बच्चे को देखकर उसकी जो वो मुस्कुराहट होती है, वो बच्चे की बीमारी, दर्द और थकावट को भी खत्म कर देती है। एंड दैट्स व्हाई अ नर्स एंड अ मदर आर सो सिमिलर, अनकंडीशनल कंपैशन एंड केयर। तो जब आप उनसे मिलते हैं, आपकी प्योरिटी, आपकी सादगी, परमात्मा हमें सिखाते हैं कि तीन क्वालिटीज हाई एनर्जी वाइब्रेशन होती है, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी। ये तीन क्वालिटीज नर्सेस में होती है, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी। और इसलिए जब आप हर एक से मिलते हैं, छोटी सी चीज, उनको छोटा सा कुछ आराम देते हैं, एवरी टाइम आप किसी को आराम दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, उसका मन जब सुखी होता है सामने वाले का, आपके अकाउंट में एक दुआ जमा हो जाती है एवरी टाइम। दुनिया तो ये गिनती है कि उनके अकाउंट में कितना धन, कितना पैसा जमा होता है रोज, लेकिन शायद ही कोई और प्रोफेशन हो, शायद ही कोई ऐसा रोल हो जिसमें सारा दिन में और दिन में कई बार कितने लोगों से दुआ, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग जमा ही होती जाती है। इवन इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल में तो सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन डॉक्टर कितनी बार पेशेंट से मिलते हैं,
और नर्स कितनी बार पेशेंट से मिलते हैं? डॉक्टर तो दिन में एक बार आते हैं, 5 मिनट में चले जाते हैं, और नर्स हर बार जब पेशेंट को दर्द होता है वो 1 घंटी बजाता है और आप भागते आ जाते हैं। दिस इज लाइक अ मदर, दिस इज लाइक अ चाइल्ड। वो एक बार रोता है और आप भागते चले आते हैं, जैसे कि आप सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गए हैं। वो जो कंफर्ट, वो जो सुख आप हर बार किसी को देते हैं, सिर्फ इन दिनों में नहीं, लेकिन जब से आप ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो सिर्फ गिन लीजिएगा आज एक बार कि कितने सालों से कितने लोगों को दिन में कितनी बार सुख देकर आपके बैलेंस में कितनी सारी दुआएं जमा है। शायद किसी और के पास इतनी दुआएं नहीं है। और फिर अपने आप को आज एक बात जरूर कहिएगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। रोज कहना, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स है। दूसरों की सेवा करने की ब्लेसिंग्स, और दूसरों की सेवा करने की वजह से परमात्मा की भी ब्लेसिंग्स। और जिनके पास इतनी सारी दुआएं हो, उनको किसी परिस्थिति से डरना नहीं है। वो क्राइसिस से डरते नहीं, क्राइसिस को खत्म करते हैं। दुनिया सोच रही है कि आप बड़ी मुश्किल में हैं, आप मुश्किल में नहीं हैं। आप तो और ही अपने अकाउंट में दुआएं और दुआएं और दुआएं ऐड ही करते जा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप, जो आपको इस समय सबकी सेवा करने का चांस मिल रहा है। हमको तो घर से निकलने का भी चांस नहीं मिलता। तो हर रोज अपने को ये याद दिलाना है, और परमात्मा का शुक्रिया जरूर एक बार करना है कि शुक्रिया, शुक्रिया कि मुझे ये रोल दिया, कि मुझे सबको सुख देने का चांस मिला। शुक्रिया जो मुझे यूज किया कि हर एक के मन को सुकून और शरीर को सेहत देने का चांस मिला। वाह मेरा भाग्य कि ऐसा मेरा रोल है। बाकी तो दुनिया अपने लिए कमाती और अपने लिए ही जीती है, और अपने परिवार के लिए जीती है। और आपने मुझे ऐसा रोल दिया कि मुझे रोज सारा दिन हर एक दुखी मन को सुखी करने का मौका मिलता है, हर एक दर्द में आए को सुकून देने का चांस मिलता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये तो रोज रिपीट करने की जरूरत है। जितना हम ये करेंगे, हमारा मन दूसरी तरफ से हट जाएगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ सारे कह रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में हैं इस समय, और हमारे आसपास परिस्थिति भी हमें थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन मन को हायर पर्पस देंगे तो परिस्थिति तो वही रहेगी, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाएगा, तो परिस्थिति को सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। सबने मिलकर कहा कि फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, लेकिन हम पॉज करते हैं। इस समय नॉर्मल क्या है? इस समय नॉर्मल होना चाहिए शांति, स्थिरता और शक्ति। परिस्थिति बाहर है, इट्स अ सिचुएशन। हम ये सोचते हैं कि परिस्थिति क्रिएट्स द स्टेट ऑफ माइंड, इसलिए हम कहते हैं जैसी सिचुएशन वैसा स्टेट ऑफ माइंड। और ये हम पहले भी कह रहे थे, मतलब कोविड से पहले भी हम ये कह रहे थे। बात ही ऐसी थी तो बुरा तो लगना ही था, बात ही ऐसी थी तो गुस्सा तो आना ही था, बात ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी। वी वर लिविंग आर लाइफ लाइक दैट, कि मेरे मन की स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। और ऐसे जीवन जीते जीते बीच में ये एक और बात आ गई, और सबने मिलकर कहा फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। इस समय की आवश्यकता क्या है? पूरी सृष्टि को, द प्लैनेट नीड्स हीलिंग एनर्जी। आप सबको सबसे ज्यादा पता है कि अगर मन शक्तिशाली होता है तो शरीर जल्दी ठीक होता है। इसलिए आप अपने पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं, टेंशन मत लो तो दर्द ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो टेंशन और शरीर का क्या कनेक्शन है? वो तो सबसे ज्यादा अच्छा आपको ही पता है। तो इसी तरह द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स हीलिंग एनर्जी। इस समय सृष्टि को ठीक होने की जरूरत है। द प्लैनेट नीड्स हीलिंग। सो द माइंड ऑफ द प्लैनेट, इस सृष्टि का जो मन है उसको शांत और शक्तिशाली होने की जरूरत है। और सृष्टि का मन मतलब हम सब का मन। तो अब जब आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, और आज हम छोटी छोटी बातें देखेंगे जिससे आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो आपके ऊपर सृष्टि की वाइब्रेशंस,
आपके आसपास के डर और चिंता की वाइब्रेशन आप पर कोई असर नहीं करेगी और आपकी वाइब्रेशंस शांति की, शक्ति की, निडरता की, आपकी वाइब्रेशंस लोगों के मन की स्थिति को बदल देगी। एनर्जी हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है, तो जब हम अपने आप को ऊंचा ले जाएंगे मन की स्थिति में, हम सब ने सोशल डिस्टेंसिंग सीख लिया कि हमें एक दूसरे से कितनी दूर खड़ा होना है या बैठना है, अब हमें एक और चीज सीखनी है एंड दैट इज इमोशनल डिस्टेंसिंग। इमोशनल डिस्टेंसिंग के लिए हमें एक दूसरे से दूर नहीं होना पड़ता, लेकिन हमें एक दूसरे से मन की स्थिति में दूर होना पड़ता है, विच मीन्स अगर सब लोग डर में हैं तो दैट्स अ वेरी लो वाइब्रेशन। अगर हम उसके नजदीक होंगे तो हम भी खिंचे चले आएंगे, हमारे भी मन में शुरू हो जाएगा, अगर मुझे हो गया तो, अगर परिवार में, दीज थॉट्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट। सो इमोशनल डिस्टेंसिंग, विच मीन्स हमें अपनी वाइब्रेशंस में बहुत हाई होना है इस समय। इस समय एवरेज वाइब्रेशन नहीं, लो वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं, एवरेज वाइब्रेशन भी नहीं, इस समय हाई वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन किसको कहेंगे? स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, फियर, जेलेसी, कंपैरिजन, ये सब लो वाइब्रेशन। एवरेज वाइब्रेशन किसको कहेंगे? कभी कभी टेंशन, कभी कभी ठीक, थोड़ा सा गुस्सा, फिर ठीक, हमारी नॉर्मल लाइफ, वो एवरेज वाइब्रेशन। इस समय हम एवरेज पे भी नहीं रह सकते, एवरेज पे रहेंगे तो फिर नीचे खींच जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नीचे की वाइब्रेशन पे। इस समय हमें हायर वाइब्रेशन। अब हायर वाइब्रेशन कौन सी है? पावर, शक्ति, शांति, हमेशा शांत रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, निडर, यूनिटी, यूनिटी सबके साथ, यूनिटी, कोऑपरेशन, सहयोग, एकता, एक्सेप्टेंस, एक दूसरे की मन की स्थिति, एक दूसरे के संस्कार स्वभाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस समय। सो दिस इज हायर वाइब्रेशन। एक बार हमने लक्ष्य रख लिया कि हमने इस हायर वाइब्रेशन पर रहना है, क्यों रहना है, इसमें हमारी प्रोटेक्शन है। अगर हम हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे तो लोअर वाइब्रेशन हमें हिट नहीं कर सकती, ना इमोशनली ना फिजिकली। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हायर वाइब्रेशन पर रहना ही है, ये हमारी जिम्मेवारी है खुद के लिए और हमारी ये जिम्मेवारी है हर एक के लिए, क्योंकि हमारी हायर वाइब्रेशन उनको हीलिंग एनर्जी देती है। हम सब अपनी अपनी रीति से मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग्स लेते भी हैं। याद करिए, जब स्कूल एग्जाम देने भी जाते थे ना, तो बड़ों से दुआ लेके जाते थे, कहते प्रे करो, प्रे करो, आज मेरा एग्जाम है। कभी हमने सोचा प्रेयर और पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? एग्जाम तो वैसा होगा ना जैसा हम पढ़े हैं, लेकिन हम जरूर उनके पास जाते थे और कहते थे प्रे करो। आज भी कोई मुश्किल केस होता है, सर्जरी है, हम सबको बोलते प्रे करो, प्रे करो। व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेयर? व्हाट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स एंड मेडिटेशन एंड अफर्मेशन? इट्स हाई एनर्जी वाइब्रेशन, एंड हाई एनर्जी वाइब्रेशन मिरेकल्स क्रिएट करती है। हाई एनर्जी वाइब्रेशंस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है, असंभव को संभव करती है, और बहुत सारे मिरेकल्स आपने अपने जीवन में, अपने हॉस्पिटल में देखे हैं। और मिरेकल क्या होता है? जब किसी का मन सिचुएशन से ऊपर उठकर अलग सोचता है, वो मिरेकल क्रिएट करता है। जो साधारण सोचता है, ऑर्डिनरी सोचता है, वो मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता। हायर, अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। तो अभी हमने क्या करना है? जो हमारी भाषा है ना, एक वोकैबुलरी है, इस समय आसपास के लोगों की वोकैबुलरी क्या हो गई है? कुछ भी ठीक नहीं है, इतना हो गया, उस देश में इतना हो गया, ये साल तो पैसा नहीं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पता नहीं, हॉस्पिटल में पता नहीं क्या। वेरी वेरी लो वाइब्रेशन कॉन्वर्सेशन, और सब लोग सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं 2 महीने से। इफ एनीबडी रिपीट्स द सेम एनर्जी फॉर 2 मंथ्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगी। तो एक पहली चीज, अपने आप को मीडिया से और सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर लीजिए, पूरी तरफ से।
बहुत सुन लिया हमने 2 महीने से कि क्या हो रहा है दुनिया में। अब हमें पता है क्या हो रहा है और हमें पता है कैसे ध्यान रखना है, लेकिन बार बार हम वो सुन पढ़ नहीं देख सकते। हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारा हॉस्पिटल और हमारे पेशेंट्स जो हमारी जिम्मेवारी के अंदर है, हमारा परिवार और हम खुद, ये हमारा दायरा है। दिस इज आर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे हाईएस्ट एनर्जी देनी है। अगर मैंने बार बार सुना कि दूसरी जगह क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, उधर क्या हुआ, और क्योंकि इस समय इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आने वाली है क्योंकि सिचुएशन वैसी है, और हम सुनते और पढ़ते गए अगर यहाँ, तो हम अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेस्ट एनर्जी नहीं दे पाएंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम खुद को सही एनर्जी नहीं दे पाएंगे। सो जहां जो हो रहा है वहां वहां के लोग संभालेंगे। हम यहां से बैठकर दूसरी जगह की बात तो नहीं संभाल सकते। हम सुने पढ़े देखें क्यों, उससे हमारी मन की स्थिति डाउन होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करना है। तो अगले कुछ महीनों के लिए अपने आप को मीडिया, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इससे तो कंप्लीटली कट ऑफ कर दीजिए। और जो सुबह की वोकैबुलरी है, हम सब सुबह मेडिटेशन या प्रेयर करते हैं, उस वोकैबुलरी में हर एक वर्ड जो होता है वो हाई एनर्जी वर्ड होता है। लेकिन अभी आजकल हम दो भाषा बोल रहे हैं। जो सुबह की भाषा है वो बहुत अच्छी है। सुबह की हमारी भाषा कैसी होती है? हम कहते हैं परमात्मा शुक्रिया, आई एम सर्टेन, मैं सेफ हूँ, आप मेरे साथ हैं, सब ठीक होगा। ये हमारी सुबह की वोकैबुलरी है। फिर सारा दिन की हमारी वोकैबुलरी, पता नहीं क्या होगा, उस हॉस्पिटल में उनको हो गया, वोकैबुलरी चेंज। अब हमें क्या करना है, जो हमारी सुबह की वोकैबुलरी है उसको हमें अपनी सारा दिन की वोकैबुलरी बनाना है, क्योंकि द प्लैनेट नीड्स हीलिंग, आई नीड हीलिंग, एंड फ्रॉम मी एवरीबडी नीड्स हीलिंग। तो हीलिंग ओनली मीन्स हाई एनर्जी वर्ड्स। तो जो सुबह की भाषा है उसको हमें अपनी सारा दिन की भाषा बनाना है। आपके आसपास के लोग कहेंगे डर नेचुरल है, और आप सिर्फ कहेंगे नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं निडर हूँ। वो कहेंगे ऐसे कैसे आपको डर नहीं लग रहा? बोलो नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे संपूर्ण निश्चय है। निश्चय, नॉट फियर, फेथ। मुझे संपूर्ण निश्चय है, मेरे पास परमात्मा की दुआएं हैं और हजारों लोगों की दुआएं हैं, मेरे बैंक बैलेंस में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जमा हैं, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। ये बोलते जाइए, अपने आप से बोलते जाइए। जो आप शुरू में पहले बोलना शुरू करेंगे, उस समय फील नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ बोलना शुरू करेंगे, थोड़े दिन के अंदर वो जो हम बोलेंगे ना, वो हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। वी विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। सो वी आर गोइंग टू चेंज आर वोकैबुलरी।